तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल इंस्पिरेशन 5502 11 जनरेशन वाले लैपटॉप के बारे में। ये लैपटॉप रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो मैं आपको यह बताऊँ कि यह लैपटॉप किस कैटेगरी यूजर के लिए अच्छा रहेगा या किस कैटेगरी यूजर के लिए अच्छा नहीं रहेगा, और आपको इस लैपटॉप की A to Z स्पेसिफिकेशन बताऊँगा और इसका प्राइस बताऊँगा कि इंडिया में इसका प्राइस कितना देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने इस चैनल पर नए हो या इस चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और इसकी राइट साइड में आपको बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो इस लैपटॉप में आपको इंटेल कोर i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर होता है और ये प्रोसेसर 4.2 GHz पे बूट होता है। तो इस प्रोसेसर में आप कोडिंग या मल्टीटास्किंग काम या फोटो एडिटिंग इजीली कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो इस लैपटॉप में आपको इंटीग्रेटेड NVIDIA MX330 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। ये ग्राफिक कार्ड 2GB रैम के साथ आता है और इस रैम का टाइप हमें GDDR5 वाला देखने को मिलेगा। तो आप इस ग्राफिक कार्ड में डिसेंट गेमिंग इजीली कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें रैम की, तो इस लैपटॉप में हमें 8GB की 3200 MHz की DDR4 वाली रैम देखने को मिलती है और आप इसकी रैम को 32GB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम किसी के लैपटॉप की रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें हैवी सेफ को रैम कराने के लिए ज़्यादा रैम की जरूरत भी पड़ सकती है, उस कंडीशन में यह ऑप्शन हमारे लिए परफेक्ट रहने वाला है। वही अगर हम स्टोरेज की बात करें, तो इस लैपटॉप में हमें 512GB की M.2 NVMe की SSD देखने को मिलती है। अलग से 2 स्लॉट और दिए मिलेंगे, एक स्लॉट में आप 512GB तक और SSD लगा सकते हो और दूसरे स्लॉट में आप 2TB तक SSD लगा सकते हो, और इस लैपटॉप में आपको विंडो 10 पर इंस्टॉल देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें कैच मेमोरी की, तो इस लैपटॉप में हमें 8MB की कैच मेमोरी देखने को मिलती है और जिस लैपटॉप की जितनी ज़्यादा कैच मेमोरी होगी लैपटॉप उतना ही फास्ट काम करेगा। वहीं हम बात करें एमएस ऑफिस की, तो इस लैपटॉप में आपको 2019 का एमएस ऑफिस पर इंस्टॉल देखने को मिलता है लाइफ टाइम के लिए। वहीं हम बात करें डिस्प्ले की, तो इस लैपटॉप में हमको 15.6 इंच की फुल HD FHD एंटीग्रेटेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले अच्छी ही रहने वाली है। वही हम बात करें वेबकैम की, तो इस लैपटॉप में हमें एवरेज वेबकैम देखने को मिलता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हर लैपटॉप में लगभग एवरेज ही वेबकैम आते हैं। वही हम बात करें कीबोर्ड की, तो इस लैपटॉप में हमें बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है और जो कीट के बीच में जो साइज देखने को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आपका जो टाइपिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वही हम बात करें सिक्योरिटी की, तो इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कोई आपका पासवर्ड तो कहीं से पता कर सकता है लेकिन ये कहां से लाएगा। अगर हम बात करें पोर्ट एंड स्लॉट की, तो इस लैपटॉप में आपको 3.2 के 2 USB पोर्ट देखने को मिलेंगे, 2.0 के भी 2 USB पोर्ट देखने को मिलेंगे, एक टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा और एक HDMI का पोर्ट देखने को मिलेगा और एक मल्टी कैलिटर का पोर्ट भी देखने को मिलेगा, एक 3 पॉइंट का जैक देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें वेट की, तो इस लैपटॉप में आपको 1.6 kg का वेट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही लाइट लैपटॉप है, आप आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो उस कंडीशन में लैपटॉप आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही हम बात करें चार्जर की, तो इस लैपटॉप के साथ आपको 65W का AC एडाप्टर देखने को मिलेगा, जो कि आपके लैपटॉप को बहुत ही क्विक चार्ज कर देगा। वही हम बात करें बैटरी की, तो इस लैपटॉप में आपको 4 सेल की 53W की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बैटरी है और जो बैटरी का बैकअप देखने को मिलेगा 5 या 6 आवर का देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें ऑडियो क्वालिटी की, तो इस लैपटॉप में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलेंगे वेव ऑडियो मैक्स प्रो के, और ये स्पीकर आपको नीचे की साइड देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो इस लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही जबरदस्त है और ये लैपटॉप एल्युमिनियम केसेस के साथ आता है, तो इसकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही स्लिम लैपटॉप है। वही हम बात करें प्राइस की, तो इस लैपटॉप का जो प्राइस हमें अमेजन पर देखने को मिलेगा 180,000 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। तो अब मैं फाइनली बताता हूँ कि लैपटॉप किस यूजर के लिए अच्छा रहेगा या किस यूजर के लिए अच्छा नहीं रहेगा।
अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो या हैवी टास्क करते हो या मल्टीटास्किंग काम करते हो या ऑफिस का वर्क करते हो या फोटो एडिटिंग का काम करते हो या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हो, उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप रहने वाला है। और इस लैपटॉप में आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।